नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 15 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 5 आईपीएस अधिकारी का हुआ तबादला। पंचायत चुनाव में वोटरों की लगेगी हाजिरी। बिहार सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जारी किया गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में की 11% बढ़ोतरी। राज्य के 34 सरकारी अस्पताल होंगे पुरस्कृत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंचायत चुनाव में वोटरों की लगेगी हाजिरी। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटरों की हाजिरी लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए पंचायत चुनाव के दौरान बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत यह पंचायत चुनाव को लेकर बनाए गए हर एक बूथ पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का काम किया जाएगा, जिसकी मदद से अब वोटिंग के लिए आए हर एक वोटर को इसके माध्यम से पहचान सुनिश्चित किया जाएगा, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार के पास इस बाबत याचिका भेज दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ ही बायोमेट्रिक मशीन लगाने की दिशा में काम शुरू हो जाएगा, जिसके तहत अब राज्य में 1,10,000 बूथों में बायोमेट्रिक मशीन लगाने का काम किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बूथ पर स्थापित की जाने वाली बायोमेट्रिक मशीन के साथ 5 तरह की जाँच की जाएगी। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की शर्तें होंगी अब और आसान। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया बहुत ही आसान होने वाली है। जानकारों की माने तो सरकारी कामकाज को आसान बनाने और नागरिकों पर कानूनी बोझ हटाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम प्रभावी किया जा रहा है। इसको लेकर इसी महीने से प्रयास शुरू किए जा चुके हैं, जिसके तहत ही अब बिहार सरकार ईज ऑफ डूइंग और दूसरे कार्यक्रम के जरिए सरकारी कार्यालय और जनता के बीच में कामकाज को आसान करने की दिशा में अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इन दिनों उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लगातार मीटिंग चल रही है। इसको लेकर हाल ही में ट्रांसपोर्ट, पीएचईडी और वाणिज्य विभाग की बैठक भी हुई थी। मेडिकल सर्विसेज में निकाली गई ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती। रक्षा मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय ने देश भर के विभिन्न क्षेत्र में स्थित इकाइयों और डिपो में ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। डीजी एएफएमएस द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार पुणे, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली कैंट में स्थित यूनिट में मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, लोअर डिवीजन क्लर्क आदि पदों की कुल 89 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। एएफएमएस ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2021 अधिसूचना के अनुसार आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in पर उपलब्ध कराए गए लिंक से आवेदन भर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। साल के अंत तक 6 शहरों में तैयार हो जाएंगे एसटीपी। नदियों के पानी में बढ़ रहा प्रदूषण बड़ी परेशानी का कारण है। हालांकि अब इस साल के अंत तक बिहार की नदियों को साफ रखने को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल करने की उम्मीद जागी है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न शहरों से निकलने वाले सीवरेज और गंदे नालों का पानी अब गंगा, पुनपुन समेत अन्य नदियों में नहीं गिराया जाएगा, क्योंकि इस साल के अंत तक राज्य में नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 शहरों के 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं। सरकारी सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी अनुसार पटना, सुल्तानगंज, बाढ़, नौगछिया, सोनपुर, मोकामा को मिला कर लगभग 755.1 करोड़ के एसटीपी प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा अन्य 3 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। इन सभी 9 एसटीपी से प्रतिदिन 238 मिलियन लीटर पानी साफ होगा। बिहार के इंटरपास विद्यार्थियों को दिया जाएगा लोन। बिहार में छात्रों को पढ़ाई की सुविधाएं देने के लिए बिहार सरकार की कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। बिहार में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत राज्य में कुल इंटरपास बच्चों के अनुपात में प्रत्येक जिले में लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि प्रत्येक जिले में कुल मिलाकर जितने प्रतिशत बच्चे इंटर पास हुए हैं, उतने ही प्रतिशत बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन दिया जाएगा। लोन की संख्या तय करने के लिए निर्धारित सिद्धांत के आधार पर पूरे प्रदेश में 75,000 इंटर पास विद्यार्थियों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में 5 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार में बीते दिन बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। इसी कड़ी में 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसके तहत 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी विनीत कुमार को पटना का नया ग्रामीण एसपी बनाया गया है। 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी अम्बरीश राहुल को पटना सेंट्रल का नया सिटी एसपी बनाया गया है। 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी स्वर्ण प्रभात को भागलपुर का नया सिटी एसपी बनाया गया है। वहीं साल 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे पटना के सिटी एसपी रहे विनय तिवारी
कुमारी को भोजपुर का नया एसपी बनाया गया। वहीं साल 2015 बैच के पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा को औरंगाबाद का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अब आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में 15 जुलाई को कुछ जगहों पर यानी करीब 2-3% जगहों पर आकाशीय बिजली गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 15 जुलाई को कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के अधिकतर जगहों पर तेज बारिश और वज्रपात की संभावनाएं हैं। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में मौसम सामान्य होगा। वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में मौसम विभाग के पूर्वानुमान से 15 जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो इन जिलों में 15 जुलाई को कुछ जगहों पर बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही वज्रपात की संभावना भी जताई गई है, जिसके लिए मौसम विभाग ने कहा है कि लोग इन दिनों अलर्ट रहें। बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक एवं आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पहले भी उन्होंने पद्मश्री नहीं स्वीकारा था। वो छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वो थोड़े से कवियों में रहे हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों में बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। शास्त्री जी का जन्म बिहार के गया जिले के मग्यारा गांव में हुआ था। कविता के क्षेत्र में उन्होंने कुछ सीमित प्रयोग भी किए हैं। बिहार सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जारी की गाइडलाइन। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, प्रमंडलीय आयुक्त और विभाग के सचिव, प्रधान सचिव को पत्र जारी कर दिया है। साथ ही 14 प्रकार के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इस बार भी आम जनता को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए आगंतुकों की संख्या 1/6 के हिसाब से रखा जाएगा। समारोह में भाग लेने वाले महानुभावों में ई कार्ड के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वहीं झांकियों की संख्या भी 7-8 के बीच ही रखी जाएगी और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। म्यूजिकल फव्वारे का उठा सकेंगे लुफ्त। पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया के साथ बिहार में सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में अब पटना में म्यूजिकल फव्वारे का आनंद लोगों को देखने को मिलने वाला है। अदालतगंज तालाब के जीर्णोद्धार का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके तहत अब लोग सुबह से लेकर शाम तक इस तालाब पर परिवार के साथ मनोरंजन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार 10 करोड़ रुपए की लागत से सुंदरीकरण का काम कर लिया गया है। जानकारों की माने तो बिहार की राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी की 2 परियोजना 15 अगस्त के बाद धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसके तहत अब पटना के लोग सुबह शाम मनोरंजन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो लोग गांधी मैदान में लगे मेगा स्क्रीन पर बिहार की संस्कृति के बारे में भी जान पाएंगे। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में प्रदर्शन का किया ऐलान। महंगाई इस समय बिहार समेत पूरे देश में एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। हालांकि अब महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष विरोध पर उतरने वाला है, जिसको लेकर बीते दिन ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 18 और 19 जुलाई को सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। इसको लेकर बीते दिन तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहां उन्होंने सरकार का घेराव तो किया ही, साथ ही महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान कर दिया है, जिसके तहत राजद 18 जुलाई को सभी प्रखंड और 19 जुलाई को बिहार के सभी जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों से देश में पेट्रोल डीजल के दाम के साथ खाने पीने के सामान के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पंचायत चुनाव में 50,000 ईवीएम का होगा इस्तेमाल। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां गति पकड़ने लगी हैं। चूंकि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाया जाना है, ऐसे में ईवीएम को लेकर मतदान कर्मियों की व्यवस्था में अधिकारी छूट दी गई है। वहीं इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव में 50,000 ईवीएम का इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। वहीं सरकार के 2,00,000 कर्मचारी मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाने वाले हैं। इतना ही नहीं, कोरोना को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर के जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। इस बाबत विधानसभा की तर्ज पर पंचायत चुनाव में भी मतदान कर्मियों के बीच कोरोना किट का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार में
जल्द ही दिखेगा चलता फिरता बिजली घर। अब बिहार में पावर सब स्टेशन के लिए जमीन नहीं मिलने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि विद्युत विभाग ने इसका समाधान निकाल लिया है। जानकारों की माने तो एडवांस टेक्नोलॉजी के बदौलत कंटेनर में चलंत पावर सब स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत आयातित 6 ई पावर सब स्टेशन स्थापित करने का काम किया जा रहा है, जिसके तहत इसे फिलहाल 250 वर्ग मीटर में स्थापित करने की योजना पर काम हो रहा है, जिसके तहत ही वर्तमान समय में पावर सब स्टेशन के लिए 2400 वर्ग मीटर जमीन की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद अब 4 में से 3 ई पावर हाउस 15 सितंबर तक ऊर्जावत हो जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि पावर सब स्टेशन के ब्रेकर सहित सभी उपकरण कंटेनर के अंदर बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में की 11% बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसके तहत सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस को 11% बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जिससे कि 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनर्स को डीए बढ़ाए जाने से काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित करने की मंजूरी दी है। साथ ही उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान के नामकरण और जनादेश को उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रूप में बदलने को भी मंजूरी दे दी है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार में घमासान जारी। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बिहार की एनडीए सरकार के बीच में घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके तहत जहां एक तरफ जदयू के अधिकांश नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कानून न बनाने की बात का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता इससे वक्त की मांग बता रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान और उपायों का वो स्वागत करते हैं। बिहार में शिक्षा का असर है कि देश के प्रजनन दर की औसत बिहार का प्रजनन दर कम है, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों को भी नीतीश कुमार के मॉडल को अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कानून नहीं और शिक्षा और विकास की धारा जरूरी के नारे पर भी जोर दिया है। कुमार ने लालू राबड़ी शासनकाल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाया सवाल। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने एक बार फिर से राजद परिवार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने लालू प्रसाद यादव से नौवां सवाल पूछते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इस बाबत नीरज कुमार ने कहा कि जिस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ही आईसीयू में थी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में चिकित्सा सहायता योजना के अनुदान मद में खर्च हो रहा है। आज के समय में बिहार का स्वास्थ्य बजट 68 करोड़ रुपए मात्र मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष राज्य के गरीब एवं गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 8200 रोगियों को चिकित्सार अनुदान के रूप में दिया गया है। बिहार में मंदिर खोलने के मुद्दे पर जदयू और भाजपा आमने सामने। पहले जनसंख्या और अब धार्मिक संस्थान को लेकर जदयू और भाजपा के बीच दो राय देखने को मिल रही है। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के साथ ही बिहार में अनलॉक 4 को लागू कर दिया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने फिलहाल सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर खोलने को लेकर भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र जारी किया है और मंदिर खोलने की मांग की है। न्यूज 18 न्यूज पोर्टल की तरफ से जारी किए गए खबर के अनुसार भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना के मामले अब नियंत्रण में है, सावन का महीना आने वाला है, इसलिए लोगों की ये मांग है कि मंदिरों पर लगा ये प्रतिबंध हटाया जाए। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष से मांगी विधायकों की जारी की सुरक्षा की गारंटी। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष से मांगी विधायकों की सुरक्षा की गारंटी। इसी साल मार्च महीने में बिहार विधानमंडल में विधायकों की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसको कम से कम राजद तो अब तक नहीं भूल पाया है। यही कारण है कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र जारी करके बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेटर जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमारे विधायक सदन में अब तभी आएंगे जब उनकी सुरक्षा को लेकर गारंटी दी जाएगी। तेजस्वी ने जारी किए गए पत्र में लिखा है कि उस घटना के बाद विपक्ष की सभी पार्टियों के विधायक सदन आने से डर रहे हैं। उनकी ही यह मांग है कि सदन जाने से पहले अध्यक्ष से बात करके दोषी पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि सदन में सभी विपक्षी भयमुक्त होकर अपनी बात रख सके। राज्य के 34 सरकारी अस्पताल होंगे पुरस्कृत। बिहार में कोरोना के माहौल में कई अस्पतालों का कायाकल्प किया गया है, जिसके तहत ही अब ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर 34 सरकारी अस्पतालों को पुरस्कृत करने का ऐलान किया गया है। स्वच्छता और संक्रमण प्रसार के रोकथाम के उद्देश्य से शुरू किए गए कार्यक्रम में पुरस्कार के रूप में सभी विजेता अस्पतालों के रोगी कल्याण समिति में 1,33,00,000 रूपए हस्तांतरित किए जाएंगे। हालांकि अस्पतालों को चिन्हित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई मानक तय किए हैं। तय मानक प्राप्त करने के बाद योग्य अस्पताल को कायाकल्प कार्यक्रम के तहत चयनित पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक पुरस्कार की राशि बेगूसराय को मिलेगी।
तारीखों को होगी सरकारी नौकरी की लंबित परीक्षाएं। कोरोना के मामलों में आई गिरावट के साथ ही बिहार में लंबित परीक्षाओं को फिर से करवाने का आदेश जारी किया गया है। इसी क्रम में बीपीएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है। 31वीं बिहार जुडिशियल सर्विसेज के 221 पदों के लिए परीक्षा 24 जुलाई से 28 जुलाई, बीपीएससी 66वीं के तहत 773 पदों के लिए परीक्षा 29 जुलाई से 31 जुलाई, बीपीएससी 65वीं के 434 पदों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया 2 अगस्त से 18 अगस्त, प्रोजेक्ट मैनेजर के 69 पदों के लिए 3 अगस्त, सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 553 पदों के लिए 24 अगस्त से 27 अगस्त, ऑडिटर के 138 पदों के लिए 29 अगस्त, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 255 पदों के लिए परीक्षा 24 सितंबर से 27 सितंबर और यूपीएससी की प्री एग्जाम 10 अक्टूबर को आयोजित होने जा रही है। अप्रशिक्षित शिक्षकों के सेवा मुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाने वाले शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी थी। हालांकि इन सब के बीच बीते दिन पटना हाईकोर्ट से ऐसे सभी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल ऐसे शिक्षकों को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसकी जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश और विनोद कुमार सिंह ने दी, जिसके तहत उन्होंने बताया कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की पीठ ने अताउल रहमान और शाहिदा बेगम आदि से संबंधित वादों की सुनवाई 14 जुलाई से शुरू की है। ज्ञात हो सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका के अनुसार 31 मार्च 2019 के पश्चात कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा मुक्त करने की कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बॉम्बे में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत 1926 में हुई। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1979 में अपने पद से इस्तीफा दिया। भारत ने 2011 में एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी द्वारा आधुनिक संचार उपग्रह GSAT-12 को अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। टाटा समूह के नैनो के बाद 32,000 रुपए में घर देने की घोषणा 2011 में की। भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी राजनेता के कामराज का जन्म 1903 में हुआ था। हिंदी के जाने माने पत्रकार प्रभास जोशी का जन्म 1937 में आज ही के दिन हुआ था। आधार कार्ड में आसानी से चेक करें अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी। कई बार आधार कार्ड में आपका गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज हो जाता है। हालांकि अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आसानी से अपने मोबाइल नंबर और आईडी की जानकारी ले सकते हैं, जिसके तहत इसके लिए सबसे पहले resident.uidai.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद आपके पास चेक योर ईमेल / मोबाइल नंबर इन आधार से जुड़ा एक पेज खुल जाएगा। डिटेल चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 12 डिजिट आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहां आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी होगी। इसके बाद कैप्शा भरना होगा। आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास ओटीपी आ जाता है तो आपका मोबाइल नंबर सही है, और नहीं तो आपको इसे ठीक करवाने के लिए या बदलवाने के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर जाना होगा। श्रीलंका दौरे से पहले शिखर धवन ने टीम को लेकर कही अपनी बात। भारत की बी टीम श्रीलंका के खिलाफ बस कुछ ही दिनों में मैदान में उतरने वाली है। हालांकि मैच से पहले ही भारतीय टीम की श्रीलंकाई टीम के खिलाफ कमान संभाल रहे शिखर धवन ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है कि मैं भारतीय टीम का कप्तान बना हूं। एक लीडर के रूप में सबसे जरूरी यह है कि सभी खुश होकर और एकजुट होकर रहे। हमारे पास अच्छी टीम है, शानदार सहयोगी स्टाफ है और हमने पहले भी एक साथ काम किया है। धवन ने कहा कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, जिन्हें श्रीलंका दौरे के लिए टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। अब हमें 6 मैच एक साथ खेलने का मौका मिला है, इसलिए काफी मजा आएगा और मुझे लगता है कि हम सभी एक साथ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,080 रुपए था। इसके साथ ही 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,080 रुपए था। इसके साथ ही चांदी की कीमत प्रति किलो 69,200 रुपए थी। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.35 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोहम्मद रफी, सिधप्पा पंचायत प्रखंड, ललन राय, अब्दुल रहमान, सौरभ कुमार, शहीद तनवीर, शिवशंकर कुमार, शंकर मुखिया, प्रिया सिंह, अजय कुमार, राकेश कुमार, त्रिपुरारी शर्मा, बबली कुमारी, मोनी कुमारी, संजय कुमार, राजीव रंजन, विकास कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में COVID-19 के घट रहे मामलों को देखते हुए धार्मिक स्थल को खोल देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।